बाद काम शुरू करते मुझे हैं। जंगल बंगल में होगा कुछ नहीं है, घर ही रखे थे। कर लो तुम लोग अपना पहले, मैं वीडियो बाद में बना लूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। है 1 जनवरी 2024 और आज से ब्लॉग चालू करते हैं। बस अभी थोड़ा पहले ही सो के उठा हूँ, ऑलमोस्ट 33 हो चुका है और अभी सो के उठा हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है, तो ऐसा कुछ दिन है आज का। आज मैं रिकॉर्ड करना चालू करूँगा, आज मैं 365 डेज 365 ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करूँगा इस बार भी। तो अभी का सीन ये है कि अभी जीरो निकलने वाले हैं अहमदाबाद के लिए, तो उनको छोड़ने जाना है और जाना है पर हेलमेट में मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं है और देखते कैसे शूट करेंगे। मे भी कैमरा लेके जाए नहीं, लेके जाए नहीं पता, पर शूट करेंगे। आई विल ट्राई टू शूट और अभी देखते हैं चिंकू क्या कर रहा है। मम्मी तो अभी खाना बनाना नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही है, चलते हैं अभी देखते हैं, चालू करते हैं आज का दिन। आज का दिन कैसे जाता है फिर शूट करके डालेंगे अपने। तो चलो चिंकू को देखते हैं चिंकू क्या। इधर ये कल ने बहुत बदमाशी की है, कल जुगाड़ गया था बारबेक्यू सेट की जगह पे। ये जू ने बोला था कल रात को, अभी तक आग का थोड़ा बहुत तो लग रहा है। आग है भाई, आग है। एक लाख का सेटअप है जहाँ बारबेक्यू किए थे, तब इसलिए था ये रात को, बिकॉज बारबेक्यू जो टाइम पे होता है पता है कि पिक टाइप पे जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने ऑर्डर करने में गलती कर दी और आया नहीं, तो इसलिए हमने जुगाड़ से किया सब कुछ। सुबह हो गया है, अब पहला काम क्या होता है सुबह उठ के, हैप्पी न्यू ईयर के सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मैसेज आए हैं, सबको रिवर्ट करो और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करो। अब मम्मी सुबह सुबह पूड़ी बना रही है, देखो आइए देखो वो पूड़ी बन रहा है। कोर्स जीजू जाने की तैयारी कर चुके हैं और इधर मैंने ट्राईपॉड ऐसा सेट किया कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कैमरा उलट ना जाए ना पलट जाए। इसका मुझे ट्राईपॉड का एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज इस हाइट में खड़ा है वो भी सिंगल मोनोपॉड पे। मैं इसका फ़ोटो खींच के अटैच कर देता हूँ, आप लोग को पता चलेगा कि कैसा करते आज का दिन। अपनी फिटनेस को वापस से लाइन पे लेके आते हैं, जैसे कि देख सकते हो पूरा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चला गया है, मतलब मास चला गया है, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है। अब लाएंगे इसको भी अपने टाइम से और पहले छोड़ के आएंगे उसके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी चालू करना है अब ऑफिशियली, मतलब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चालू कर देना है आप लोग के लिए, ताकि भाई हर जगह से एक चालू मार्केटिंग का अपना। अब देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, इतना मेहनत करना है इस साल की एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ भाई मेहनत की है इस बार। कोई गोल नहीं रखा हूँ, गोल मेरे अंदर है वो बाद में बताऊँगा, डिस्कस करेंगे। चलो चालू करते हैं आज का दिन। A few moments later. So, ये रहे कुछ सीगल्स जो नर्मदा के ब्रिज के पास बैठे, देख तो पहली बार रहा हूँ और पूरा गंदा कर रहे हैं बच्चे। चलो घर निकलते हम लोग। A few inches later. Ready? चिंकू उठ गया है और गरम गरम पफ पिक रहा है। 10 बजे उठा, आज 9 बजे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। देखो अब चालू कैमरा के पीछे पड़ रहा है, कैमरा क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, देखो देखो फोटो दिख रहा, फोटो दिख रहा कि दिख रहा, देखा अब इसको कैमरा चाहिए। ए ज्यादा नहीं मांग रहे तुम, चलो जाओ अब नीचे से कैमरा पकड़ेगा। जैसे फोटो वोटो खींच लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोग। ऑडियो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने कुछ देखा जो आपको दिखाने के लिए बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वोटो लॉगिंग सेटअप चालू किया था तो ऑडियो उसका था जो माइक्रोफोन था वो ढंग से सेटअप नहीं हुआ था। सेटअप नहीं हुआ इनकेस क्या होता है कि जो माइक होता है उसमें माइनस और प्लस में रेटिंग्स होते हैं कि ऑडियो गेन करना है ऑडियो लॉस करना है, तो उसमें वो सेट नहीं था। उसके से मैं अब ये मैं पहली बार मोटो ब्लॉगिंग किया, मैंने जब चेक किया तब तो ढंग से चल रहा था और जब मैंने गाड़ी चलाई 80-90 या फिर 60 पे चला रहा था और हवा आ रही थी तो विंड ब्लस्ट के कारण बहुत सारे ऑडियो ना बहुत सारे डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट इन द क्या सेंस कैसे हुआ वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो फाइल एडिट की है ताकि मैं अपलोड करूँ, तो ये जो आप फाइल देख रहे हो
ये है डिस्टॉर्टेड, मतलब अगर ऑडियो ऐसा फॉर्मेट में आता है तो वो फट चुका है, मतलब फट चुका है इन द सेंस कि उसके ऑडियो की आवाज़ कैसी हो सकती है वो मैं डाल दूंगा या फिर आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि स्पीकर मैंने ऐसे निकाल दिया है और ये आप सुनो। ऐसी कुछ फॉर्मेट में आवाज़ आ रही थी उसके समय को, ऑडियो को मतलब ऑडियो को ठीक करने के लिए मैं इतने दिन से सोचा था कि कैसे ऑडियो को रिपेयर करूँ और उसको रीयूज़ कर पाऊँ अपने चैनल पे। मतलब ये वीडियो मतलब अप्रॉक्सीमेट मुझे 10,000 के आसपास कॉस्ट किया है, आना जाना मिल आना जाना सिर्फ वन वे। तो मुझे था कि भाई ये वीडियो मुझे कैसे भी डालनी है, ये मैंने वीडियो जब जाने टाइम पर बनाई वो भी 2 घंटे की क्लिप बनी है, तो मैं इसको 4 पार्ट में डालूंगा पर डे, कॉज भाई 4 वीडियो डालूंगा तब जाके ही कुछ आएगा। मतलब आएगा इन द सेंस कि 2 घंटे की वीडियो के साथ तो डाल नहीं सकता, कॉज 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो और इसलिए मैं तोड़ तोड़ और अभी मैंने 36 मिनट्स की वीडियो निकाली है। तो क्या करने वाला हूँ मैं अभी, मैं इसकी एक वेबसाइट पे जाके 123 ऐप करके एक वेबसाइट है उसमें जाके अपनी वीडियो की ऑडियो मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और फिर उस ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके उसको रिपेयर करने का ट्राई करूँगा। अगर रिपेयर हो जाती है तो उसको म्यूट करके इस वाला ऑडियो यूज़ करके फिर थोड़ा बहुत क्लिप्स ऐड करके और डाल दूंगा, बिकॉज भाई ज़्यादा एडिट करने बैठा तो पता है आधे आधे घंटे की फाइल है, आधे आधे घंटे की फाइल में एडिट करने में मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम अभी दे नहीं सकता। बिकॉज इस वीडियो को बहुत दिन पहले आ जाना चाहिए था, अप्रॉक्स 1 महीने के पहले 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 आना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मैं भाई ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला इसमें। तो भाई चला लेना अभी के लिए, बिकॉज मुझे पता है भाई मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका हूँ, और ये 2 घंटे की क्लिप में मतलब ज़्यादा ही मैंने शूट कर लिया था उस दिन खुशी खुशी के कारण कि मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो क्या कर बताना है नहीं बताना है, तो ज़्यादा शूट कर लिया था। तो आज की जो मतलब 1 तारीख को जो वीडियो आएगी वो ज़्यादा एडिटेड नहीं होगी, जो भी राइडिंग के पार्ट्स है वो एडिट नहीं करने वाला था, सिर्फ डाल देने वाला हूँ, तो फिर वो देख लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर शेयर जरूर से कर देना। इसकी वीडियो मैं डिटेल में एक बार बनाऊंगा जब ये चारों सीरीज मतलब आ जाएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको राइड चालू करनी है उसके बाद में कैसे कैसे क्या करना है वो बताऊंगा, उसके बाद आप समझ सकोगे कि राइड कैसे करनी है नहीं करनी है। तो अभी फटाफट से इसको वीडियो को मतलब रिपेयर करके, ये वेबसाइट है एडोबी की पॉडकास्ट, ये देख सकते हो ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ से आप अपना ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है अपने वीडियो से तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया है, और जैसे कि मैंने पहले क्लिप में दिखाया था कि ऑडियो को डिस्टॉर्टेड रहता है तो कैसे रहता है, देखो ऑडियो वेवफॉर्म्स जो होते हैं वो पूरे ऊपर तक रहते हैं, ये है एडोबी का सॉफ्टवेयर के बाद। अब इसको मुझे फटाफट से उठाना है और यहाँ पर डालना है ताकि अब मेरी वीडियो हो जाएगी रेंडर भाई। और इसमें भी एक चीज़ का लोचा है, एडोबी का जो सॉफ्ट वेबसाइट है उस पर लिमिटेशंस है कुछ 30 मिनट्स के, और मेरी जो वीडियो थी वो 33 मिनट्स की थी, तो मेरे को अब इसको भी काटना पड़ेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्री में नहीं देते और दिन के कुछ 1 आवर जितना फ्री मिलता है, मतलब 1 आवर का आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑडियो को परफॉर्म मतलब एनहांस करके आप डाल सकते हो। तो फ्री सॉफ्टवेयर है तो 30 मिनट्स तो मतलब 1 आवर तो मोर देन इनफ है, पर 30 मिनट्स के ऊपर नहीं डाल सकते हो। और इसका एक्सटेंशन होता है .WAV में होता है, वेव फॉर्म में होता है, मतलब वेव फॉर्मेट है एक जो ऑडियो के लिए होती है, वो ज़्यादा टेक्निकल साउंड कर रहा हूँ पर ये होती है, तो आप ऐसे डाल सकते हो। और हाँ गैस कर रहे हो सही है कि मैं अभी तक नहीं नहाया हूँ, बिकॉज यार सुबह से इसी में लगा हूँ, ये काम ख़त्म होगा वीडियो अपलोड होगी तब जाके नहा पाऊँगा, तो फटाफट से मैं वीडियो डालता हूँ अभी, इसको एडिट करके फटाफट से डाल देता हूँ। लैपटॉप ही हैंग हो गया, माउस हिला रहा हूँ कुछ नहीं चल रहा, कीबोर्ड में बटन्स भी दबा रहा हूँ कुछ काम नहीं कर रहा हो, बेसिक एडिटिंग का लोचा। अब ये इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अब जो अपने एडिट किया सब वेस्ट, आओ रिस्टार्ट करें। पर एक वीडियो के लिए थी मैथ होती है, ये तो समझ सकते हो कि 3 hours later वीडियो अब जाके रेंडर हो रहा है, और देख सकते हो सुबह से मैं नहाया नहीं हूँ इसके वजह से, और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 4:56 56, अब आएगा ये व्लॉग करीब करीब 7 या 8 बजे, 7 या 8 बजे तक व्लॉग डाल दूंगा। अभी जाकर रेंडर हो रहा है, देखो अभी जाके रेंडर हो रहा है, उसमें भी 18 मिनट है, तो प्रोसेस करके 8 या 9 बजे तक डाल दूंगा, मतलब अभी जा इसके बाद जैसे ही ये रेंडर हो जाएगा उसके बाद मैं अपलोड पे लगा दूंगा, फिर देखते हैं कब तक आता है ये व्लॉग। तो भाई आज का दिन पूरा इसी में क्या है, अ फ्यू इंचेस लेटर अब का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर,
थोड़ा बहुत घूमना है और थोड़ा बहुत काम है जो कि करने जा रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली। और देखा है मैंने डैशबोर्ड पे कैमरा पर, डैशबोर्ड पर ढंग से आ नहीं रहा होगा। ये करीब करीब 9 बजे करीब करीब आएगी और इधर थोड़ा बच्चे घूर रहे हैं कॉज इनको देखा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, दिखाता हूँ कौन से बच्चे घूर रहे हैं मुझको। चलो छोड़ो क्या करना है, बच्चे घूर रहे घूर दो। इसका कैमरा का एक प्रॉपर स्पॉट लाना पड़ेगा या फिर माउंट लाना पड़ेगा। ये जैसे एक माउंट है वैसा एक माउंट आता है जो यहाँ पे कहीं पे लग जाएगा और उसके वजह से अच्छे से व्लॉग कर पाऊँगा, तो वैसे कोई माउंट का जुगाड़ करना पड़ेगा अभी के लिए। तो अभी तो यही जुगाड़ है, तो अभी चलते हैं फटाफट से मार्केट दिखाते हैं आप लोग को। मार्केट दिखाते हैं आप लोग। A few moments later यहाँ पे साथ में है, अभी मार्केट ले लिया जो सामान जो लेना था। मम्मी अभी भी घूम रही है। ये पीछे जो है वो बहुत पुराना सेल टाइप में लगता, मतलब लोकल जो मार्केट में लगता है, तो मतलब किचन वगैरह का सामान मिल जाता है ये सब चीज़ के लिए, तो वहाँ से लेने में थोड़ा। इसको मैं अंदर ही डाल देता हूँ, जा तो ये सब सामान था जो लेना था, वो लेने थे नहीं, मतलब लेना नहीं देखने आता था, सेल में टाइप होता है वैसे सेल लगता है इधर, तो आते रहते हैं देखते रहते हैं कुछ मिलता है काम भर का तो लेते हैं नहीं तो नहीं लेते। अभी चिंकू मेरे को देख रहा है कि भाई ये क्या किससे बात कर रहा है यहाँ पे, देखो कहाँ पे इसको बिठा दिया मैंने, गाड़ी में डाल दिया अंदर। उसके अलग ही मजे है, उसको कोई टेंशन नहीं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अब मैं पीछे शांति से बैठ जाता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। चलाओ गाड़ी नित्यम। और नित्यम अब देखते हैं गाड़ी चलेगी चलेगी, चला गाड़ी। हाँ मामा गाड़ी कैसे चलाते, अरे देख के देख के देख के देखो सीधा हैंड ब्रेक खींच रहा है, इसको पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है। ओए इधर कैमरा कुछ सेट कर देते हैं लोग और उसके से एकदम मतलब परफेक्ट शॉट आता है ऐसे टाइप में वाइड एंगल में। अपने भी कभी लेंगे पर कभी गाड़ी लेके अकेले गया नहीं हूँ, मतलब जाता नहीं हूँ, काम ही नहीं पड़ता अकेले जाने का, मतलब कभी बहुत ही देर में काम रहता है तो कभी जब जाता है। और इसको भाई को घंटी मिल गई है, घंटी बजा रहा है। देख लो भाई साहब सीट पे एकदम चढ़ के एकदम सब कुछ सेट कर रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा था, आई थी वो पैंट डोंट लेने के लिए तो उजड़ रहा है। हां नंदा। A few inches later चुके हैं चिंपू भाई, दूसरी बार आ चुका है, पहली बार तो भाई बैंगन लेने आया था, बैंगन नहीं आए भी नहीं, सो कॉल्ड कद्दू लेने आया था। मेथी बोली थी ना पराठे के लिए, तुअर लेना तुअर का सब्जी खाना। देसी बुला रहे क्या बात है, फ्लावर कैसे भाई 30 का 500। रेट सुनते ही कहा बढ़ गया माइया, बोलो 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 बोलो। 40 रुपया किलो ग्वार, बोलो 40 रुपया किलो ग्वार पापड़ी 40 रुपया किलो। अरे बेटू तुमको सो इतना सारा सामान लेने के बाद वी आर रेडी टू मूव। इतना सारा सामान हो गया है, अब लग गया, फिर सब्जी उठा लेते हैं फटाफट। और इसके बाद इसे वीडियो को एडिट करनी है यार, इस वीडियो को भी आज ही लाइव करना है मुझे, कम से कम 2 उंगली पे मेरा दुनिया भर का बोझ होगा।
टाइम फटाफट से वीडियो हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये कुछ था मेरा दिन। अब बस ऑलमोस्ट 9-8 बजने वाले हैं और मुझे वीडियो डालनी है आज तो फटाफट से अब डालते हैं। और मैं अभी एक राइड की वीडियो जो भी कंटिन्यू करते रहूँगा। आज की मेरे को वीडियो डालनी इससे ज़रूरी थी, बिकॉज मुझे बताना था कि मेरी मतलब अभी जर्नी कैसी थी कैसी नहीं है वो मैं बताऊँगा अच्छे से, पर अभी के लिए मेरे को 1 जनवरी की वीडियो डालनी थी तो वो भी एडिट करके डाल दूँगा आज। तो प्लीज़ इस बार मैं चैनल नहीं छोड़ने वाला, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबा देना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर करना, बिकॉज भाई अब कम्युनिटी ग्रो करने का टाइम आ चुका है। और मैंने फेसबुक पे भी एक पेज बनाया है अपने नाम से, तो एक दिन बाद मतलब उस पर वीडियोज़ आएंगे तो उसका पेज भी आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय।